ये आप खुद ही कराइए, लाइट ऑन करता हूँ मैं। ये देखिए ये कबूतर है, ये आपको दिख रहा है? ये देखिए, देखिए कितना डरा हुआ सैम। हाय दोस्तों, तो अभी मैं काम कर रहा था, ये देखिए ये आपको दिख रहा है, जस्ट मैं चार्जर जोड़ रहा था, मैं ये सब खराब हो गए थे चार्जर, मतलब टूट गए थे, ये दिख रहा है, तो इसे मैं बना रहा था, क्योंकि नया चार्जर कुछ 1100-1200 का आता है और उसकी इतनी बेटर लाइफ भी नहीं होती है, बट इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। और ये आज से 10 साल पहले, 12-15 साल पहले ये चार्ज चलते थे, तब ये चार्जर सेकंड में खरीद के लाते थे, और तो इसी को मैं बना रहा था, क्योंकि जो जितने अच्छे चार्जर थे मेरे पास, कुछ इस तरह के चार्जर, ये देखिए वो सारे ख़त्म हो गए थे, तो मैं ये चार्जर बना था। अब ये बनाते बनाते मुझे एक चीज़ दिखाई दी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है, ये लाइट ऑन करता हूँ मैं। ये देखिए ये कबूतर है, ये आपको दिख रहा है? ये देखिए, देखिए कितना डरा हुआ सहमा हुआ है। अब इसे हुआ क्या मालूम आपको? इसको हो गया चिकन पॉक्स, और ऐसे ही पहले काफ़ी कबूतर को हुआ था, यानी कि 2, 4, 6, 8 कबूतर को हुआ था। तो मैं जैसे ऐसा कबूतर मिले ना, तो मैं एक नंबर पे कॉल करते हैं, वो आते हैं और कबूतर को लेके चले जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे नंबर आपको दिखता रहेगा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, अगर आप मुंबई में रहते हो, साकिना का 90 फीट, कुर्ला, अंधेरी, घाटकोपर, गांधीनगर, हिरनदानी, फिल्टरपाड़ा, कुर्ला, अगर आप ये एरिया में रहते हो, तो आप अगर इस नंबर पर कॉल करोगे ना, तो वो आएँगे, इसे ले कर चले जाएँगे और इनका ट्रीटमेंट कर देंगे। बट अभी क्या हुआ है ना, उन्हें मैंने कॉल किया था, अब वो क्या कह रहे हैं कि हम जरा थोड़ा, हमारी गाड़ी उस एरिया में आई थी और वो जा चुकी है, तो आप हमारे एड्रेस पे ला पाएंगे क्या, आपको एड्रेस मालूम हमारा? तो एड्रेस तो मैं पता ही है, क्योंकि होली के एक दिन पहले भी ऐसी कबूतर में मिला था, तो उसकी भी हालत ऐसी थी, उसको भी चिकन पॉक्स हो गया था, ये जो कि चेहरे पर दाने आए ना, इसे चिकन पॉक्स कहते हैं, उसे भी चिकन पॉक्स हो गया था, तो उसे भी हमने जाकर खुद वहाँ पे एडमिट करा के आए थे, और एडमिट तो करा दिया हमने, और मैं बोला भी गया था कि इसका ट्रीटमेंट वो करते हैं, अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो डायरेक्ट परेर भेजते हैं और हमें देते नहीं हैं। तो वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था ये वाला, कि कभी भी अगर आपको ऐसे कोई जानवर मिले तो उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये बेजुबान होते, अगर हम इसकी इनकी अगर हेल्प करेंगे ना, तो ऊपर वाला हमारी भी हेल्प करेगा, और अगर इसकी मैं हेल्प ना भी करूँ, तो ऊपर वाला किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी के और के हाथ से भी इनकी इलाज हिफाजत करा सकता है। बट हमें ऐसा मौका मिले, हमें छोड़ना नहीं चाहिए, जिस तरह हम इस दुनिया पैसा कमाते ना इस दुनिया के लिए, इसी तरह से एक दुनिया और भी होती है, वहाँ के लिए ये नेकी वाले पैसे, पुण्य वाले पैसे ही हमारे काम आते हैं। तो वो तो आ जाएंगे, इनकी गाड़ी जा चुकी है, बट हम कोशिश करेंगे कि चलिए इसे हम आज लेके चलते हैं और हमको दिखाते ही है। और ये बिना वीडियो बनाने मकसद था ना, कि आप भी इसी तरह से किसी भी की हेल्प करिए। तो हम अभी पहले तो लाइट बंद कर देते दोस्त, ऊपर की लाइट पहले बंद हो जा, उसका देखो सब बैटरी में चार्जिंग मशीन में बैटरी लगाए ले, सब चार्ज हो चुकी, काटे क्या देख रहे आपको, काट ओपन नहीं हो रहा है, सब चार्ज हो चुकी बैट बैट्स मस, सॉरी सब बैटरियाँ चार्ज हो चुकी है। अब सब बंद करते, पहले ये बंद करे, लाल वाला लाइट देखिए बंद हो गया, सारी लाइट सब हमने बंद कर दिए। अब हम चलते इसको लेके, अब इसको लेके चले किस में, तो ये बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर डालेंगे इसको हम, और इसके अंदर से लेके जाएंगे। उस टाइम भी लेके गया था, कोई था नहीं मेरे साथ में, और आज भी कोई नहीं मेरे साथ में, ये देखिए किस तरह भाग रहा है, ये मैंने उसे पकड़ा, बहुत डरा हुआ देख रहा, आपको देख गौर से देखिए इसके चेहरे पे, देखिए बेचारे के, थोड़ा उजाले में दिखाता मैं आपको, तो आपको दिखाई देगा इसका दर्द क्या है। एक सेकेंड, ये आपको दिख रहा है इसके चेहरे, देख रहे आपको, ये देखिए क्या इसकी हालत हो गई बेचारे की, ये देखिए
इसकी चोंच के ऊपर देखिए, देखो ये साइड भी देखिए, इसके सर पे भी देखिए और यहाँ भी देखिए, और ये जहाँ से पॉटी करता है ना उस जगह की भी हालत बहुत नाजुक है, पूरे बदन में से हो गए फोड़े हो गए दोस्तों। इस डब्बे में इसको डालेंगे हम और इसको बंद कर देंगे कुछ इस तरह से। अरे यार ये भाग रहा है, देखिए दोस्तों ये भागने की कोशिश कर रहा है, देखिए देखिए। पर इसे क्या पता, हम इसका इलाज करने लेके जा रहे, इसे इसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हम, इसे क्या पता, ये तो डर रहा है, इसे लग रहा हम कुछ करेंगे साथ में, नहीं हम इसका इलाज करेंगे। दोस्तों हमने इसे पैक कर लिया, इसके अंदर अभी बाइक कहाँ है, हमारा हेलमेट कहाँ, ये हमारा हेलमेट और चाबी, अब चलते हैं और वहाँ पे हमारी खड़ी है बसंती रेड वाली यूनिकॉर्न, उसको ही लेके चलते हैं। पर जूते भी चेंज कर लेंगे हम यार, सबसे पहले जूता पहनना पड़ेगा क्योंकि ये तो प्लास्टिक वाला है। दोस्तों ये हमारी है हालत, आज काम भी नहीं है, वो देखिए एक लड़का हमारा वहाँ पे खड़ा है, तो देख रहे आपको एक वो है उसकी जो हाथ धो रहा है, और तीन तो पता नहीं कहाँ चले गए दोस्त, काम तो है नहीं, वैसे आज उपवास रोज़ा लग रहा भी नहीं हमें आज, जूता बड़ा टाइट है यार दोस्तों, जूता हमने पहन लिए और चल के आपको दिखाते कितना किस जगह पे है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना कि हम सब किस तरह लेके जाते हैं, दिक्कत तो काफ़ी होती गाड़ी चलाने के लिए। चाबी ले ले, अगर वो आ जाता लेने के दोस्तों तो कितना अच्छा होता, क्योंकि हमने कम से कम 5, 6, 7, 8 कबूतर हमने तो दे चुके इसी तरह से, बस डर लगता कहीं उड़ के भाग ना जाए, क्योंकि काफ़ी ये हिलने की कोशिश कर रहा है। देखिए बंदा धूप में दिखा था आपको, सबको दिखाई देगा धूप में, देखिए देखा आपको अंदर अंधेरा है, ये भी दिखाता हूँ खोल के, देखा आपको ये देखिए। चलो चलते से लेके, खाना का क्या है रेहान, कोई यहाँ पे है कि नहीं इधर, हाँ ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ क्या। तो दोस्तों देखिए दोनों लड़के खाने खाने खा सॉरी दोस्त दोनों खाना खाने जा रहे हैं और दो तीन लड़के यहाँ पे भी है, बाइक लगा लूँ यार, फोन ही पहले हैंडल पे लगा लेता दोस्तों, चलाना थोड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि रास्ता भी नहीं मालूम, रास्ते में मैप भी चालू करना पड़ेगा, उसको ढक लेंगे दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि कहीं ये उड़ ना जाए रास्ते में, गिर भी ना जाए, बड़ा मुश्किल है यार उसको लेके बाइक चलाना, तो एक बंदा मिलता ना तो कितना अच्छा होता हमारे साथ में चलने के लिए। काफी ज्यादा हिल रहा है, एक हाथ से डब्बा पकड़ना एक हाथ से बाइक चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, देखिए कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पहुंच जाए वहां पे, एकदम 90 फीट पे ही है असलपा पहुंचने वाले, जस्ट मेट्रो के नीचे, और रोड तो खाली है, क्या शनिचर का दिन है सैटरडे, इसलिए तो आज रोड खाली है, लगता तो दोस्तों यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है गाड़ियों का, एक कार वाले ने ना रोक दिया पक्षे वाले को, हवलदार भी नहीं है, रिक्शा तो कार वाले लगता दोस्तों ठोक दी, तो शायद दोस्तों ना उस कार वाले ने ना शायद ऑटो वाले का ठोक दिया था, उसमें कोई लेडीज थी, उसका काफी सामान था,
जो सामान है ना शायद वहां पे गिर गया था, सारी उठा ली थी सामान वहां। देखिए बंदा हमारे को देख रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कबूतर इसके अंदर है। मैं इसको बाहर निकल के दिखाता आपको मैं कि इसको देने की बारी आ चुकी है। हम पहुंच चुके अपने मंजिल पे। बेचारा बहुत देर से डब्बे के अंदर था। ये देखिए शाम दिखाता आपको मैं। देखिए सही से दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे धूप ज़्यादा है। एक सेकेंड, अगर ये छूटा तो उड़ जाएगा, फिर इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक सेकेंड दिखाते आपको। ये देखिए अभी देखिए आप गौर से, ये दिख रहा है आपको, इसके चेहरे की हालत दिख रही है आपको दोस्तों। बेचारे बोल तो सकते नहीं, बेजुबान होते। और ये इसका दवा खाना है, आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपको दिख रहा है, ये इस पे लिखा मंगल, मंगल वरदानी गुरु माँ, यहीं पे इसका इलाज होता है। और यहाँ पे नहीं होगा तो सीधा ये वहाँ पे लेके जाए, कहाँ पे, परेल। अब तो चलो इसको दे देते कबूतर। ये हमने इसको डाले इसके अंदर क्योंकि उड़ सकता है, तो उड़ गया तो फिर हाथ में आने वाला नहीं है हमारे, इसका इलाज भी नहीं हो पाएगा। सेकेंड, मैम कॉल किया था मैंने कबूतर के लिए, साकी नगर 95। देखो उड़ जाएगा ये, चिकन पॉक्स हो गया। हाँ इसको चिकन पॉक्स हो गया। नाम मेरा हलीम है मैम। हाँ हलीम। तो देखा दोस्तों अब हमने कबूतर दे दिए हैं और हम जरा बात करते एक सेकेंड ना। तो हाय दोस्तों, जैसा कि आपने देखा हमने इस कबूतर को दवाखाने तो पहुंचा दी है, अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब एक बात की खुशी भी है, एक बात की गम भी है। गम इस बात का है कि वो जो कबूतर था अब कभी अपनी फैमिली से मिल नहीं पाएगा। उसके दोस्त थे, भाई बहन थे, या जिस जगह रहता था वो घर को तो ज़रूर मिस करेगा। बट एक बात की खुशी भी है। खुशी सिर्फ इस बात की है कि उसको जो तकलीफ थी, जो बीमारी थी, वो जूझ रहा था, उसका इलाज होगा। बस ये चीज़ की खाली खुशी है। अब जो बंदा अपने घर से दूर रहता है ना, वो ये चीज़, वो बंदा ये चीज़ को समझ सकता है। बड़ो बंदा अपने घर से फैमिली से मिल भी सकता है, बट ये जानवर कभी अपनी फैमिली से मिल नहीं पाएगा। तो तब तक दोस्तों बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।